इसराइल का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। मामले में सियासत जारी है, क्योंकि पंजाब की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। फैसला ये लिया गया, प्रस्ताव ये पास करवाया गया कि अतिरिक्त पानी नहीं है, हरियाणा को पानी नहीं देंगे। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से पंजाब सरकार को निशाने पर लिया गया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है इस मसले पर रिपोर्ट में देखें। पंजाब में एसवाईएल मामले पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद हरियाणा और पंजाब के बीच सियासत फिर गर्मा गई है। बैठक के बाद जहां पंजाब सरकार ने खुद के लिए भी पानी होने की बात कही, तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब को सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा के हक में आया फैसला याद दिलाया। नहीं, हरियाणा सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीत चुकी है और आपस में बातचीत करने का जो सिलसिला था वो तो बहुत देर से समाप्त हो चुका हुआ। अब तो फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है और हमने उसकी एग्जीक्यूशन के लिए डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। वो सुप्रीम होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीआईटी विवाद के चलते अधर में लटकी 458 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। अनिल विज ने कहा कि सीएमओ में इस प्रक्रिया पर मंथन चल रहा है और जल्द ही ये भर्ती शुरू कर दी जाएगी। नहीं, जल्दी वो हो जाएगी सॉल्व, उसके ऊपर मंथन चल रहा है सीएमओ में और जल्दी उसका भर्ती प्रक्रिया पर काम शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर भी निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान को सुनहरे सपने दिखाने वाला आज सारे विश्व में जाकर भीख मांग रहा है। विज ने पाकिस्तान की हालत पर तंज कसते हुए कहा कि आज वहां रोटी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। अम्बाला से खबरें अभी तक के लिए कमलप्रीत की रिपोर्ट।